दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रैक। तो ये देखिए कोई बंदा है जो यहाँ पे मरा है। जरा बच के, जरा बच के, ये है ब्लैक आइस मेरी जान। तो दिस इज द पॉइंट, वो देखिए, और ट्रैक करके जाना कितना मुश्किल है। तो देखो भाई, बात ऐसे है, ना मेरे पीछे कोई है और ना ही मेरे आगे कोई है, सब सुनसान और अंधेरा होने को है। एंड दिस इज ऑल खीरगंगा, टॉप खीरगंगा का माई फर्स्ट ट्रैक एंड आई मेड इट। ये हमारे निर्माण भाई फ्रॉम जयपुर। हेलो ब्रो, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू मैन। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी तरफ से सबको। कैसे हो? कैम हो? कैम ही होने चाहिए थे, कार्डो फुल्ला थे। अभी मैं जा रहा हूँ जी खीरगंगा ट्रैक पे, ठीक है जी। छोटा बैग है मेरे पास, बाकी फालतू फूलतू सामान जो बड़ा बैग था वो मैंने शॉप पे छोड़ दिया है इधर ही पीछे परशैनी में। बाइक भी वहीं पार्क कर दी है और उन्होंने मेरे को ये स्टिक दी है कैरी करने के लिए। तो बस लिमिटेड गैजेट्स लेके जा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी टाइम हो चुका है दोपहर के 2:15, लग जाएंगे 5-6 घंटे। पहली बार ही जा रहा हूँ, मेरे तो यहीं सांस फूल रहे हैं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, आदत नहीं है ना। तो कोई ना, चलते हैं फिर खीरगंगा ट्रैक पे। आज रात वहीं स्टे करूँगा, कल आएंगे वापस, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे, जो भी होगी अभी तय नहीं की है। तो चलते हैं फिर खीरगंगा ट्रैक पे, मिलते हैं आपको। ऑलराइट ऑलराइट। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, ये स्टेयर्स, ये जाती है सीधा खीरगंगा को। तो लेट्स ट्रैक, ऑल द बेस्ट टू मी फॉर द जर्नी। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है, काफ़ी चढ़ाई है। वाह, काफ़ी चढ़ाई है ऊपर, चढ़ाई बस, उसके बाद सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि 10-15 मिनट की चढ़ाई है, उसके बाद ठीक है। तो हम जाएंगे मस्ती मस्ती में खीरगंगा। कोई कह रहा है ऊपर तबाही मची हुई है, कोई कह रहा है ईजी है। बस पहुंच गया मैं तो, इतना ही है भाई खीरगंगा। ये देख लीजिए ये व्यू, ये खीरगंगा। सो दिस इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे ऑन माई वे टू खीरगंगा। आई एम सेटिंग हेयर एंड हैविंग मैगी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन वन कहना है। अब थोड़ा सूप भी हो जाता है, थोड़ा गला भी गर्म रहता है, सही है। इट इज़ फॉर 70 रुपीज़ एंड द परांठा इज़ फॉर 150 रुपीज़। सो गाइज, नीचे से खा के आइए, माई रिकमेंडेशन फॉर यू। अब मैं जा रहा हूँ आगे खा के। राइट, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैंने हॉल्ट किया था। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैं GoPro से व्लॉग कर रहा हूँ और हाथ ऑक्यूपाइड है, दूसरे हाथ में स्टिक है। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैं मैगी के लिए रुका था। अभी तो आधा किलोमीटर ही आया हूँ, अब आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो काफ़ी ट्रैक है, चलते जाना है। तो एज़ यू कैन सी, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, अकेला ही हूँ मैं जो ट्रैवल कर रहा है, सारा खाली। जो लोग थे वो आगे चले गए हैं या अभी पीछे से नहीं आए हैं, तो मैं अकेला जा रहा हूँ। ये भी लगे एक पीस मिल रहा है, खुद से बातें करते, खुद के लिए टाइम। कसौल खीरगंगा आने का यही एक मकसद होता है लोगों का, पीस। और वो पीस ना लेके गए यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। हफ्ते के लिए आओ रिफ्रेशिंग, और फिर मेरी तरफ लॉक करके घर को यादें लेके जाओ, फिर किसी नई डेस्टिनेशन पे जाओ, वहाँ जाके फिर उस जगह का लुफ्त उठाओ। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल देश है, विद वैरायटी ऑफ कल्चर्स, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स फ्यू किलोमीटर्स में। तो घूमने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम है, एक इंडिया इंडिया के लिए। तो चलते हैं वीर, तुम बड़े चलो। तो ये रास्ता देखिए, वहाँ से ऊपर जाना है, नीचे से पूरा घूम के फिर ऊपर चढ़ना है। यहाँ से मैं आया हूँ, तो चलते रहो चलते रहो। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स आते हैं तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से नीचे उतरेंगे। ओ मैन, यहाँ से नीचे उतरना इज़ अ बिग टास्क, थोड़ा स्लिपरी भी है। तो थोड़ा आराम से स्टिक पे प्रेशर दीजिए, इतना हो सके, ताकि आगे को मत जाओ।
तो देखो कई लोग आते सिर्फ ट्रैक करने, कई लोग मेरे जैसे जिनका डबल काम है कि हाँ साथ में व्लॉग भी करना है, टाइम टू टाइम जेब से कैमरा भी निकालना है, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में स्टिक और फिर ऊपर चढ़ना है। तो मेरा काम है, मुझे प्यार है अपने काम से, तो आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है जो जो मैं फील कर रहा हूँ सफ़र में, ताकि आप भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें और उसका लुफ्त उठा सकें, ताकि आप भी आइए और खीर गंगा ट्रैक कीजिए। ठीक है जी, अब ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसा ही है ये सफ़र वादियों के बीचों बीच, और फिर मंजिल बहुत खूबसूरत है। खुला मैदान है, मैंने सुना है देखा है वीडियोस में, जहाँ जाके आपको पहुँचना है। ठीक है जी, तो चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो यहाँ से थोड़ा बच के ताकि आप स्लिप ना होइए। मेरे ख्याल से आगे भी बर्फ़ मिलेगी, दिस इज थोड़ी बर्फ़, और प्रेशर ऑलवेज ऑन द स्टिक सो दैट यू डोंट फॉल, और तुम्हारे जो जूते हैं वही सही होने चाहिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पत्थरों पे पैर रखा जाए, नहीं तो आप गिर सकते हैं और अपने बम्स हर्ट कर सकते हैं और बाकी पार्ट्स भी, बेसिकली तो बम्स, क्योंकि बम्स के बाहर ही बंदा गिरता है। ठीक है, तो कंटिन्यू द जर्नी। सो दिस इज़ द पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से होकर जाना है, नैरो सा लकड़ी का पुल बना हुआ है, पहले नीचे जाना है, पानी भी बह रहा है, झरना है वहाँ पे, तो यू हैव टू सी दैट कि कहाँ से जाना है। तो ये काफ़ी अच्छा एक रास्ते में स्पॉट आया है, जो ध्यान से निकलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ पूरा जैसे जैसे मैं जाऊँगा यहाँ से। ओ तो थोड़ा संभल के पैर रखिए। You have to be safe, otherwise you will fall in the झरना। तो ये झरना है वो, और this is the beauty of the trek। तो काफ़ी अच्छा है ये, गर्मियों में तो नहा सकते हैं यहाँ पे, सर्दियों में मुश्किल है। तो हैव अ लुक हाउ कूलली आई एम स्टैंडिंग हियर। अभी ऊपर जाना है, रास्ता क्लियर हो जाए, अब हम मस्त खड़े हैं यहाँ पे बढ़िया एक जगह पे टिका के, तो खाली होगा अब तो चढ़ जाएंगे फटाक से। ठीक है, चले फिर ऊपर चलो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है चढ़ना इसको, जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कहाँ कहाँ पैर रखने। राइट, तो यहाँ से यहाँ, अरे यहाँ से यहाँ, इस दुनिया की इतनी चढ़े। बहुत टाइम लगा रहे लोग ऊपर जाने के लिए, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ ताकि एक ही बारी में चढ़ जाऊँ, बार बार मुझसे रुका नहीं जाता, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं चढ़ना, लोग बहुत स्लो हैं, इतना कुछ नहीं है यहाँ से जाना ऊपर, बड़ी स्लो जा रहे हैं, गेड़े गेड़े में चढ़ जाओ एक बारी में, क्या दिक्कत है। जैसे हम चढ़ेंगे अभी आपके सामने, देखो फिर नज़ारे, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में स्टिक, चलो चलो बाबा शाबाश। यस चलो 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 चलो, स्टिक से आगे प्रेशर बनाओ ना। यस तो ऊपर जाना है अभी पूरा, काफ़ी जाम है यहाँ पे। मैं भी जो लोग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी है, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है ये, तो अभी क्लियर होगा तभी जाएंगे, बीच में तो क्या बजना है एक दूसरे के। वहाँ पे जाके खुला मैदान है, तो वहाँ से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तो बेचारे लाइन में लगे हुए सारे, हमने जाके बजें इट्स नॉट अ डिसेंट थिंग,
अपा रूल्स नहीं तोड़ते हैं, दीज आर द रूल्स लाइन राइट। सो सही है, तो वेटिंग फॉर पीपल, लेट पीपल गो, फिर ही जाऊँगा मैं ऊपर। लोगों तो यही ना हो गई है यार, मेरे को तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इट इज़ ईजी टू ट्रैक यार, और मैं तो साथ में व्लॉग भी कर रहा हूँ। लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कहा तो मैंने भी सुबह से मैगी है, पर आपको पता है आपके भाई में कितनी एनर्जी है। आई एम फुल पावर एनर्जी हाउस 24/7, चाहे सुबह के 5 बजे चाहे रात के 10 बजे, आई एम ऑलवेज ऑन पावर मोड। तो अभी ऊपर चलते हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ रास्ता। देखो लोग अभी भी रास्ते में रुके हुए हैं, 2 मिनट, 1 सेकंड चढ़ते हैं फिर बैठ जाते हैं, 1 सेकंड चढ़ते फिर बैठ जाते हैं। ऐसे तो हवा रात के 10-11 बजा देंगे पहुंचने में, तो हैव टू ओवरकम देम, हैव टू क्रॉस देम ऊपर जाके वाइड एरिया में। ऐसे नहीं कि बीच में जाके बजून के और वो साइड सूट पे गिर जाएंगे, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो गेड़े गेड़े में चढ़ने का बाबा, गेड़ा गेड़ा रखने का बाबा। यहाँ देखो आई नो इट्स स्टीप बट चलो। तो यहाँ पे थोड़ी बर्फ, लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के आए हैं घर से कि सारी रास्ता ऐसे ही निकालना है। तो नीचे चिक्कड़ है थोड़ा बचा के, जूते नहीं गिले होने चाहिए। बाकी आगे बर्फ़ भी है जिस पे चलना थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, तो लकड़ी पे प्रेशर बना के चलना पड़ेगा। यहाँ काम आती है स्टिक, तो पैर जमा के, नहीं तो मैं नारकंडा में फिसला था बहुत गलत, वो तो बच गया था गिरता गिरता। तो लोग पीछे रुक गए एक स्पॉट पे, रास्ते में जहाँ से मैंने मैगी खाई वहाँ झूठ लिखा हुआ था नेक्स्ट स्टॉप इज 3 आवर्स, ये तो अभी आ गया। तो ये बहुत एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लोगों की, क्या लिख दो नेक्स्ट स्टॉप इज 3 आवर्स ताकि लोग यहीं खा के जाएँ। गुड, आई लाइक दिस बिजनेस सेंस विदाउट MBA। ऑलराइट, तो ये बर्फ़ है इस पर थोड़ा बचा के, तो ये रास्ता ऐसे ही है। थोड़ा यहाँ पे बंद करता हूँ GoPro, नहीं तो सारी वीडियो यहीं बन जाएगी, फिर आगे क्या दिखाऊंगा आपको समझ ली लिया। ऐसे रास्ता आगे भी कुछ और आएगा दिलचस्प, तो पेश करेगा व्लॉगर बैनी पा। राइट राइट, तो जो यहाँ के लोकल्स हैं वो कुछ ऐसे बात करते हैं इस साइड के, ओ बाबा क्या बात कर रहे हैं आप, गफ्फे ही देने फिर गफ्फे ही आना कभी बाबा इधर, पता लगेगा आपको हम कैसे बंदे को रगड़ते, खूब पेला देते, डेमो देना डेमो देते बाबा फुल, फिर बंदा आता नहीं, फिर भूल जाओ, यहाँ पता भी नहीं लगना किसको पार्वती वैली में कहाँ गया। नीचे वाले जो ज़्यादा होशियारी दिखाते ना बाबा, उनको फिर ऐसे ही देते हम गफ्फे, हमारे एरिया में आगे होशियारी दिखानी ऐसे होने ने नाम ने, यहीं फेंक देंगे पार्वती डैम में, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू द ट्रैक, नाइस व्यू। तो देखिए वाट लगी है वाट, इतना भी ऊपर जाना है, हो आदत नहीं है ना। तो यहाँ पे वो बात सच हो जाती है कि जो कच्छू कमे और खरगोश वाली कहानी थी कि खरगोश भागता रहता भागता रहता भागता रहता, रास्ते में रुकता रहता और कमांड होता उसको मैं जल्दी पहुँचूँगा, और कच्छू कम आराम से मेरी तरह चलता रहता है एंड फाइनली ही रीचेस द टॉप बिफोर द रैबिट्स। तो वाट लगी वाट, तो आई एम द टॉर्टोइस हेयर, आई डोंट वांट बी अ रैबिट, बनी रैबिट। तो यहाँ से मैं आया हूँ अभी, ये अभी ये देखिए पेड़ कैसे पड़ा है यहाँ पे, तो इसके नीचे से निकल के जाना पड़ेगा झुक के, कहीं सिर में कट जाए। हैं ब्रो, यस ब्रो, तो नीचे से हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गजकेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं विदेवदिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। Oh,
बहुत डिफ़िकल्ट था पीछे द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। या तो मैं स्टिक पकड़ता, या गोप्रो पकड़ता, या बोलता, और अगर तीनों काम एक साथ करता है वुड हैव फॉलन डाउन। द फर्स्ट पर्सन जो लोन चला हुआ है विदाउट द गाइड वुड हैव बीन डाउन देयर। तो लेट्स सी आगे क्या क्या आता है, बट इज़ अ गुड ट्रिक। अब थोड़ा रिलैक्सिंग है, वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट था, आइस भी है इसलिए। लेट्स होप आगे ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ बैठ के मैं रेस्ट कर रहा हूँ, लोग चले गए आगे, क्योंकि अपन अपने टशन में चलता है ब्रो, अपने को कोई जल्दी नहीं है। अब अंधेरे पे भी चले जाएगा, वो एक दूसरे में बच के नहीं जाने का ब्रो, समझ रहे हो ब्रो। लग जाती है लग, बट हमारी नहीं, कोई जो नॉन ट्रेकर है। हम तो मस्त एनर्जी मैगी खा के चले हुए, पता नहीं कौन से घुटनों में मैगी गई हुई मेरे। तो वो देखो बर्फ जम रखी है, पता नहीं अभी तो 50% ही आया रास्ता, 50 और बड़ा है। वाट लगी पड़ी है, ना तो पीछे जाने जोगे ना आगे, ये भी सही है। ओ मैन, तो ये देखिए कोई बंदा है जो यहाँ पे मरा है, यहाँ पे गिर के। रेस्ट इन पीस पीस ब्रो। ओ फुल ऑफ जॉय एट द प्राइम वॉक ऑफ द हिज लाइफ। ख़त्म है ख़त्म। ये देखिए ये चढ़ना है अब जूते, तो यहाँ चढ़ना है भाई ऊपर। वाट फुल। तो दिस इज़ द पॉइंट, वो देखिए। और ट्रैक करके जाना कितना मुश्किल है। मैं गोप्रो जेब में डालूँगा, नहीं तो मैं नीचे जाऊँगा झरने में। ओ उधर पहुँचना है ऊपर, वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो देखिए ऊपर से पानी आ रहा है, ये ब्रिज क्रॉस करके। चलो एक तो बर्फ़ है ऊपर, वो रोक रही है ज़्यादा, तो बर्फ़ भी गिर रही है ऊपर से। ऐसा नहीं है बर्फ़ नहीं गिर रही, बर्फ़ भी गिर रही है। मेरे को तो डर है मैं पुल में ही ना गिर जाऊँ, जिससे आपके पत्थर है। ओ गोबर बंद करना पड़ेगा यहाँ तो वॉकिंग थ्रू दीज ह्यूज ह्यूज डियोडार्स ओक ट्रीज इज ऑल्सो अ वॉक टू रिमेंबर पीस हाउ अवे फ्रॉम द भीड़ भाड़ ऑफ द मेट्रो एंड बड़े बड़े शहर्स। पल्यूशन नहीं है, अच्छी हवा है, नो कार्स नो व्हीकल्स ओनली प्योर एयर एंड फिटनेस लेवल। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स आए रास्ते में, बट आई मैनेज्ड टू ओवरकम देम। तो ऐसे तो ये तो बहुत छोटा लग रहा है अभी पेड़ पूड़ चढ़ के क्रॉस करना। तो एक रास्ता ऊपर से आ रहा है एंड द सेकेंड वन इज़ दिस, इधर से मैं आया हूँ, आई एम गोना गो फ्रॉम दिस वे। तो ये मेरे को ज़्यादा ईजी लग रहा है नीचे वाला, हम लोग मुश्किल वाला रास्ता लेके आए हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर दिस रास्ता मीट्स, अब जाना है आगे। तो कोई ना, वो रास्ता दिखा दिया, जाएंगे दूसरे रास्ते से, आई विल शो यू द अदर वे ऑल्सो। ऑलराइट, तो ये कुछ काफ़ी खुला सा आया है, थोड़ी राहत मिलने वाली है लगता है। ओके फाइनली वी विल ईट समथिंग, बहुत भूख लग रही है, सब कैलोरीज बर्न होगी, ज़्यादा ही नेगेटिव कैलोरीज। तो आई हैव स्टॉप्ड एट दिस प्लेस टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हंग्री ब्रो, वेरी हंग्री, एंड माई कैलरीज हैव गॉन इन टू द डेफिशिट। सो आई एम सिटिंग एट दिस प्लेस, आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग टू ईट, देन आई विल कंटिन्यू द जर्नी हेड। आई मेट अ फ्यू पीपल फ्रॉम पंजाब, पंजाबी ब्रो, वन वॉज फ्रॉम जलंधर एंड वन फ्रॉम सिरसा। ही वो सेइंग कि आगे बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, ब्लैक आइस है, तो यू नीड टू बी केयरफुल। और ऊपर जाके जो खीर गंगा का पूरा एरिया है उसमें काफ़ी बर्फ़ मिलेगी आपको, तो यू विल हैव अ गुड टाइम, बट इट विल टेक अनदर 2 hours टू रीच द टॉप। तो शॉर्ट फूड ब्रेक इज वेरी नेसेसरी। ये मेरा भाई गुजरात से, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट व्लॉगिंग, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी आप। 6 बज गए हैं, खाली पेट, जो भी खा रहे हैं ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है। कहता चले हुए हाइड एंड सीक का एक बिस्किट का पैकेट लिया, वैसे बेशक खाए ना हाइड एंड सीक, पर यहाँ हाइड एंड सीक ऐसा लग रहा है, हाय 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 हाय, कि वो छुप रहा है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। आज नाम समझ आया मेरे को हाइड एंड सीक का, हाइड आई विल सीक यू, हाय हाय, स्वाद आ गया। और सबसे बड़ी गलती, जेब में सिर्फ 1000 रुपया और ना कोई ऊपर बुकिंग, गूगल पे वहाँ चलता नहीं क्योंकि नेटवर्क आता नहीं। अब इतना इतना सा खाना पड़ेगा और सुबह जल्दी दौड़ के नीचे जाना पड़ेगा ताकि पेट पूजा हो सके। ये तो वाट लगी है, अब आगे मिलते हैं। ओए भाई साहब, खाली
तो ये थोड़ा सा बर्फीला रास्ता फिर से आ गया है, इस पर थोड़ा बचा के, यहाँ से अब थोड़ा ही रह गया खीर गंगा। पीछे 3 किलोमीटर था जहाँ मैंने खाया है, और यहाँ से अब पता नहीं कितना होगा, 2.5 होगा यहाँ तो। ये देखिए थोड़ा ब्लैक आइस है, इससे बचा के अगर तिलक गए तो सीधा गलेश वहाँ नीचे झरने में, वो नहीं चाहते हम। तो ट्रैकिंग इज़ नॉट ईजी ब्रो गाइस, यहाँ से आना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ब्लैक आइस है, बच के एक गलत स्टेप पैर फिसला और तुम वहाँ, और फिर तुम समझो फिर कहाँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, काफ़ी ध्यान से, थोड़ा क्यों, बहुत ध्यान से। ओ यहाँ से फिर थोड़ा फिसलन है। तो आई सडनली रियलाइज्ड दैट मैं अपनी स्टिक छोड़ आया हूँ जब मैंने खाया था। चलो स्टिक के बिना भी सही है, ऐसे बोझता था, ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हो ना तो स्टिक काम आती है, तुम उसे गाड़ सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही सही है खाली हाथ। तो देखिए ना पीछे कोई और ना आगे कोई, आपका भाई चला हुआ है अकेला विदाउट एनी गाइड। ये थग लाइफ, एडवेंचर लाइफ। तो ये देखिए बहुत अलग अलग तरह के रोड्स आते हैं, रोड्स क्या, रॉकी माउंटेंस, कभी ब्लैक आइस, कभी कुछ, कभी कुछ। ज़रा बच के, ज़रा बच के, आगे देखिए ये है ब्लैक आइस मेरी जान। ये लगाई वाटम मेरी, यहाँ से चढ़ना इज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी, पर ब्लैक आइस डोंट मेक मी फॉल ब्रो। ओ पकड़ पकड़ के हाथ लगा के, ज़रा पच के, पैर तिलका भाई, हमारे भाई का पैर तिलका भाई, तिलका तिलका तिलका, ज़रा बच के, ज़रा बच के, ये है ब्लैक आइस मेरी जान। हो अभी पता नहीं कितना और जाना है। ओ मैन शिट। तो बर्फ़ गलत नहीं है, जो ज़्यादा बर्फ़ होती है वो सही रहती है, उसमें फिसलता नहीं बनता, उसमें पैर खुप जाता है। ये जो ब्लैक आइस है ना, ये काम ख़राब करती है, क्योंकि इस पर पैर फिसलता है, और कभी ऊपर तो कभी नीचे। ओह चलो चलो चलो, बढ़िया लंबिया रहा ने बरशैनी तो खीर गंगा दिया। हाँ जी हाँ जी, तो ये देखिए कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ रहा है, माय फर्स्ट ट्रैक, और वो भी ऐसा कि बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाइक पे आओ तो 14 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बराबर हो जाते हैं, और पैदल इमेजिन कीजिए आप 14 किलोमीटर कितने हो गए होंगे, इतना तो हम इकट्ठे नहीं चले ज़िंदगी में कभी। तो ये देखिए एक झरना, इसको क्रॉस करना है, तो पानी 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 देख के प्यास भी लगाई। चलो लेट्स क्रॉस द वाटर, आगे बर्फ़, पीछे पानी, पीछे बर्फ़, फिर आगे पानी, यही चल रहा है। द मेमरीज लो, बनाना डाल लिया है, ठंड हो गई है, और गोप्रो की जो मेमरी है वो कम है, वेरी स्लिपरी। ओ हो ब्लैक आइस, वेट वेट वेट, चश्मे उतारने पड़ेंगे। लुक एट दैट मानताए, ग्लेशियर से आता हुआ पानी मानतलाए, पार्वती रिवर की तरफ, इट्स ब्यूटी वाटर फॉलिंग। और ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़, बर्फ ही बर्फ, अभी ऊपर जाना है यहाँ से, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। क्या पानी गिर रहा है, बहुत प्यास लग रही, पानी को देख के, पानी नहीं है मेरे पास, ऊपर जाके पीता हूँ। बहुत लोग वापस मुड़ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी हैं लोन, कोई नहीं जा रहा मेरे अलावा ऊपर, तो स्लिपरी बहुत है, लोग बर्फ़ में फिसल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, पर अपा जाएंगे यहाँ से, कोई आधा घंटा और है, तो वील कंप्लीट द ट्रैक। मैं कभी भी कोई आम काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरा अब मानना और ठानना है। ठीक है जी, तो आई विल कंप्लीट द ट्रैक, आई विल रीच खीर गंगा, राइट राइट। तो देखो भाई बात ऐसे है,
ना मेरे पीछे कोई है और ना ही मेरे आगे कोई है, सब सुनसान और अंधेरा होने को है। इसको बोलते हैं बाबा रियल एडवेंचर। और रास्ता देखिए अभी जहाँ से होकर ऊपर जाना है, जितने भी ट्रैकर्स आए थे ना वो सब रास्ते में ही रह गए हैं, कोई नहीं आया। तो हम तो जाएंगे, अपने को तो जाना है, और ये नहीं पता अब कहाँ से जाना है, रास्ते कई हैं यहाँ पे। तो मैं ऊपर जाके मिलता हूँ जल्दी जल्दी इससे पहले कि और अंधेरा हो जाए, ठीक है जी। तो सोलो ट्रैकर जो ऊपर चढ़ रहा है यहाँ से, खाली ये होता है फन व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर सोलो। आई विल सी यू अप, चलते हैं ऊपर। अपने में है स्पोर्ट्समैन वाला जज्बा, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, यही रास्ता है। तो ऊपर पहुँचना है, ट्रैक करना है कंप्लीट खीर गंगा। अभी भी इतनी एनर्जी है कि ऊपर जाके भाई तुम्हारा वापस आ सकता है, लेकिन नहीं, दैट इज़ कॉल्ड स्टुपिडिटी। वहाँ रहेंगे आराम से, कल आएंगे नहा के पार्वती कुंड में, राइट। तब चलते रहो, कोई तो मिलेगा ऊपर जो पहुँचा होगा शायद। ओ अभी बहुत है भाई, काफ़ी रास्ता है अभी, तो चले चलो। जंगलों में अंधेरे में अकेले चले चलो। तो अभी ये चढ़ना है बिल्कुल ऊपर, और उसके ऊपर है खीर गंगा ब्लैक आइस। यहाँ से जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ टूरिस्ट लोग मिले हैं ऊपर, तो आई हैव ओनली फाउंड देम फ्यू ऑफ देम, कोई ग्रुप के होंगे, पर ना तो पीछे कोई है ना यहाँ रियाज ऊपर जाना है। तो चलते हैं फाइनली टॉप पे, यहाँ पे वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ से आना अकेला है बिना हाथ पकड़ के। मैं अकेला आया हूँ बिना हाथ पकड़े, बाबा पत्थर पे पत्थर पे, डोंट स्लिप। फाइनली 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 आई एम ऑन द टॉप ऑफ खीर गंगा ट्रैक, आई मेड इट। आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम, इट मस्ट बी अराउंड 7:30 आई गेस। फ़ोन स्विच ऑफ है दोनों, नो यूज़ कॉज रेंज तो है नहीं यहाँ पे, एंड दिस इज़ ऑल खीर गंगा टॉप। खीर गंगा का माई फर्स्ट ट्रैक एंड आई मेड इट, इट वॉज अ नाइस ट्रैक अप हिल, आई एम लविंग इट, मिशन अकम्प्लिश्ड। अंदर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। दिस इज द टॉप ऑफ खीर गंगा एंड आई एम लविंग इट, द कैंप्स द बॉनफायर एंड एवरीथिंग इज हियर, स्नो कैप्ड ब्यूटिफुल माउंटेन्स, कैंप्स एंड कैंप्स एवरीवेयर। लेट्स चेक इन टू सम कैंप। हेलो भाई साहब, हाउ आर यू, आपका कैंप है? ओके, फाइनली 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 लेट मी सिट एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, बिकॉज आई डिजर्व टू बी सिटिंग, इट फील्स गुड। कितने हाइट पे बाबा ये? 9000 कुछ फीट पे, एंड इट्स वर्थ कमिंग हेयर। बाकी गर्म पानी कहाँ है पार्वती कुंड? 5-7 मिनट लगे, सुबह जाके फायदा है ना। ओके ओके, तो गाइज अभी तो मैं कहाँ पहुँच, आई विल चेक इन टू सम प्लेस टू स्टे, खाना वगैरह खाऊंगा, टाइम पे सो जाऊंगा, सुबह उठ के पार्वती कुंड में नहाएंगे, माथा टेकेंगे एंड वापस ट्रैक करेंगे टू बर्शैनी, राइट। व्हेन आई हैव द डिनर आई विल शो यू द कैंप्स व्हेन आई एम पुटिंग इन। तो हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पहुँच के, टेंट भी ले लिया है, और मैं तो मेरा ध्यान ही निकल गया था इस बात से, ध्यान ही मतलब मैं इस ऐसी ठंड में बैठा हूँ ना, तो यहाँ नेटवर्क है और खाना भी बन रहा है, ऑर्डर किया हुआ है, मतलब जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वहीं खाना बन रहा है, आंटी है वो बना रहे हैं, काफ़ी एजेड हैं। तो फ़िलहाल मैं बैठा हूँ बॉनफायर पे, मतलब बॉनफायर पे नहीं, बॉनफायर करके, तो दिखाता हूँ आपको, लकड़ी बहुत तेज़ चल रही है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, और वैसे उसके अलावा कुछ करने को नहीं है यहाँ पे, काफ़ी जो कैंपिंग एरियाज है वो बंद है। सुबह क्या करेंगे, सुबह जाएंगे पार्वती कुंड में नहाएंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे नीचे, फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सी मंजिल पे जाना है, मे बी कसौल या पराशर लेक, वो टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने बजे नीचे पहुँचते हैं ना, या सुबह की भीड़ पे या जल्दी उठने पे, वट एवर इट टेक्स टू बी। तो मैं सामने दिखाता हूँ जो बॉनफायर में फन चल रहा है, तो ये जी बॉनफायर, तो काफ़ी जल्दी जल्दी लकड़ी जल रही हैं,
पर यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो फन नहीं है ना, बाकी कैंप्स में होता है। इसके पास स्पीकर है। भाई साहब आपका नाम क्या है? निर्माण भाई, हमारे जयपुर से हमारे को यहीं मिले हैं, सोलो कर रहे हो ट्रैवल। एक भाई और है, वो आया है बॉम्बे से, तो हम लोग अभी बॉनफायर पे बैठे हैं सोलो ट्रैवलर्स और इंजॉय कर रहे हैं, और कुछ करने को नहीं है। देन वील हैव डिनर और उसके बाद आई विल गो टू स्लीप और फिर बाकी सुबह मिलेंगे। ऑलराइट, तब तक ले मी इंजॉय द बॉनफायर। और थोड़ा गर्म हो जाओगे, काफ़ी ठंड है बिकॉज ऑफ द मौसम, बर्फ ही बर्फ पड़ रखी है। ये हमारे निर्माण भाई फ्रॉम जयपुर। हेलो ब्रो, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू मैन। वी विल स्टे इन टच। श्योर, चलेंगे इकट्ठे ही, नहाने भी चलेंगे और उसके बाद नीचे भी। ऑलराइट, आप किस पे आए हो? बस पे आए हो? बस पे। ओके, कोई ना, नीचे तक इकट्ठे चलेंगे, उसके बाद चलेंगे। ऑलराइट, काफी लंबा है वो भी। बहुत ज्यादा सोचने में डर लग रहा है मेरे को तो सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ी है जो मैंने रास्ते में दिखाया। मुझे आते आते तो यहाँ पूरे क्रैम्स हो गए यार, ये शोल्डर वगैरह में। कल जाके रिलैक्स तभी होगा। तो जैसे भाई बोल रहे निर्माण भाई की जो यहाँ की जो मेन चीज़ है वो है पार्वती कुंड, जिसमें हॉट वाटर बात है, जो मणिकरण साहब में भी हम जाएंगे सुबह जाके, जो हमारी थकावट है सारी दूर करेंगे, बात लेंगे थोड़ी, जो दर्द है वो निकल जाएंगे, जो क्रैम्प्स पड़े हुए उसके बाद हम नीचे जाके नीचे जाएंगे ट्रैक करके। भाई ऊपर से लकड़ी लेके आते भाई, कितने में थी? अंशुमन भाई फ्रॉम बॉम्बे, 200 की बोल रही थी, 200 में ली है। ऑलराइट, गुड बार्गेन किया। अच्छा, तो ये काफी टाइम निकालने वाला है हमारा ना, तो भाई है बॉम्बे से, ही इज आल्सो ट्रैवलिंग सोलो। यही कटेगी और कुछ करने को भी नहीं है। सारे मत डालो, सारे नहीं, थोड़े थोड़े डालो। करुणावतारम।